हाय फ्रेंड्स, आप अगर ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या फॉलो करके आप ट्रेडिंग कर रहे हो? अगर इसका आपके पास आंसर नहीं तो मैं बता दूँ कि ये लोग क्या क्या फॉलो करते हैं। फर्स्ट है कि मीडिया, टीवी चैनल्स, वो देख के लोग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड है कि एडवाइजरी टिप्स, यानी कि टीपर से आप टिप्स लेके ट्रेडिंग करते हो। थर्ड है फंडामेंटल एनालिसिस, आप फंडामेंटल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हो। फोर्थ है टेक्निकल एनालिसिस, और फिफ्थ है नथिंग, यानी कि कुछ भी आप फॉलो नहीं करते हो, जस्ट आपको ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए कर रहे हो। तो ये पांच कैटेगरी रहता है कि उसके बेस के ऊपर आप ट्रेड करते हो। तो जो कुछ भी नहीं फॉलो करते उनका तो लॉस होना श्योर है, क्योंकि वो लॉस ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। और जो बाकी कैटेगरी है, जैसे कि नंबर वन मीडिया या टीवी चैनल्स हो गए या फिर पेपर्स, उसके ऊपर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप दूसरे का सुन के फॉलो कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा डेंजरस है। सेकंड जो है कि टिप्स प्रोवाइडर्स या फिर एडवाइजरी, उसमें से बहुत सारे फेक ही होते हैं। अगर उनको इतना मालूम है तो खुद करके प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसमें से मैक्सिमम 99% तो फ्रॉड ही रहते हैं। उसमें बाद में बचा है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये ऐसे दो टाइप्स है जिससे आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस है और उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक ग्रोथ दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके लिए मैं आपको मेरे स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ। तो चलिए हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम प्रेजेंटेशन पे देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनी और इकोनॉमी बोथ नाउ एंड इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स, कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अभी कैसा होगा और फ्यूचर में कैसा होगा, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, वो जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन, ह्यूमन इमोशंस एंड वॉल्यूम शो इन चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस है वो ज़्यादा ये मूवमेंट ये देता है कि प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, प्राइस का एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अभी जो एक्शन हो रहा है प्राइस का, तो फ्यूचर एक्शन कैसा होगा उसके ऊपर वो लोग ट्रेड करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में और फर्दर डिफरेंस जो है, फंडामेंटल एनालिसिस स्टडीज कंपनीज स्टॉक प्राइस ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी जो है सॉरी फंडामेंटल जो है वो स्टडी करता है कंपनी का प्राइस लॉन्ग टर्म फ्यूचर में कैसा रहेगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है फंडामेंटल एनालिसिस स्टडीज करना। वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस स्टडीज ऑफ स्टॉक और फ्यूचर प्राइस ऑन शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म बेसिस, लाइक वन मिनट चार्ट टू डेली चार्ट, यानी कि इसमें छोटा टाइम फ्रेम से लॉन्ग टाइम फ्रेम तक स्टडी करते हैं। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग करना है, तभी भी आपको टेक्निकल एनालिसिस यूजफुल होगा। वो टाइम पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा यूज नहीं होगा जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। देन थिंक कंपनीज फंडामेंटल ड्राइव द प्राइस ऑफ स्टॉक्स। फंडामेंटल ये सोचते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले कि कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही ऊपर या नीचे होते रहता है। टेक्निकल एनालिसिस सोचते हैं थिंक प्राइस मूवमेंट डिस्काउंट एवरीथिंग, नो नीड टू सी फंडामेंटल्स। टेक्निकल सोचते हैं कि जो प्राइस है वो सब डिस्काउंट कर देती है, वो सब बता देती है, हमको फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है। ओनली यूजफुल व्हेन एनालाइजिंग द प्राइस ऑफ कंपनी। फंडामेंटल एनालिसिस आपको जब भी यूजफुल है, जब भी आप कंपनी का प्राइस आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल सिर्फ कंपनीज को ही रहते हैं, जो कि आपको कभी फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी या इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करना है तो उसको कुछ फंडामेंटल्स रहता ही नहीं, तो आपको खाली उसके ऊपर टेक्निकल के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और प्लस आप टेक्निकल में कंपनी का भी प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ फंडामेंटल में देखेंगे क्या क्या इंक्लूडेड है। फंडामेंटल में
पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड अदर्स न्यूज, और दूसरा कंपनी डाटा एनालिसिस। ये दो मेन जो पार्ट्स है वहाँ फंडामेंटल में फंडामेंटल एनालिस को काम करना पड़ता है, जैसे कि न्यूज है सब उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि इकोनॉमिकल डाटा रिलीज, मेजर पॉलिटिकल रिलीज, डिफरेंट न्यूज फ्लो, जैसे कि कुछ न्यूज आते रहते हैं कंपनी के बारे में आते रहते हैं, कंपनी का बोनस, AGM, स्टॉक प्लीट, मर्जर और बहुत सारे कंपनीज में जितने भी मूवमेंट्स हम होते हैं वो न्यूज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। देन कंपनी स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, इन्फ्लेशन है, प्रोडक्शन एंड ट्रेड्स, GDP डाटा और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, ये सब न्यूज़ फंडामेंटल में एनालिस करने पड़ते हैं और देखने पड़ते हैं। और जो डेटा है यहाँ पे फंडामेंटल एनालिस को काम करना पड़ता है उसके पहले कि मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट आउटलुक कैसा है। एक्चुअली कंपनी का मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि क्या है, क्योंकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस में आप वो स्टॉक लेते हो जिसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म में रहना है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो क्या करेगा, आपके कंपनी का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। इसका एक एग्जांपल देना है तो मैं देता हूँ आपको, सपोज रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री और किंगफिशर एयरलाइन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको मालूम है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट मुकेश अंबानी जी है और किंगफिशर एयरलाइन के मैनेजमेंट में मिस्टर मलिया थे, तो आपको अगर उनको कंपेयर करेंगे तो दोनों का भी मैनेजमेंट का बिहेवियर या आउटलुक कैसा तो आपको मालूम है। और अभी आप देख रहे हो कि रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पे और किंगफिशर एयरलाइन कहाँ पे, तो जब भी आप मैनेजमेंट को डीपली स्टडी करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि कंपनी का फ्यूचर वो कहाँ पे लेके जाने वाले हैं। देन कंपनी प्रोडक्ट यानी कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में कैसे चलता है और उसका कितना ग्रोथ है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम लोग कभी भी बाहर घूमने को जाते हैं तो हम लोग रोड पे देखते हैं कि 10 गाड़ियों में से कम से कम 8 आपको मारुति कार दिखेंगे, यानी कि कंपनी का प्रोडक्ट जो कितना चल रहा है। और आप मारुति का शेयर देखो कि कितना, जैसे कि वो निफ्टी को कॉम्पेट कर रहा है, निफ्टी के रेट के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का प्रोडक्ट आप सही स्टडी करेंगे तो भी आप फंडामेंटल एनालिसिस में अच्छी तरह कमाई कर सकते हैं, और इसके लिए ज़्यादा कुछ आपको नॉलेज की जरूरत नहीं होती, ये तो एक बेसिक जनरल नॉलेज है, उसके वजह से भी उसके ऊपर भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आप प्रॉफिट कर सकते हो। कंपनीज अर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, कंपनीज के अर्निंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर आते रहते, ईयर ऑन ईयर आते रहते, तो ईयर ऑन ईयर आते रहते वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फंडामेंटल में हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कभी कभी कंपनी को थोड़ा फायदा या नुकसान हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म कुछ इवेंट्स होते हैं उसके वजह से। तो फंडामेंटल्स एनालिसिस में ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देखते हैं, बट ईयर ऑन ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना है, डेप्ट कितना है, डेप्ट कितना रिड्यूस किया, ये सब देखते रहते हैं। देन कंपनी का बैलेंस शीट तो पूरा कंपनी का कुंडली होता है, तो अगर वो आपको अच्छी तरह पढ़ने आता है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सब पता चलता है। देन कैश फ्लो में आपको पता चलता है कि कंपनी का पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये पता चलता है। देन हेल्थ ऑफ कंपनी एंड फ्यूचर ग्रोथ, ये भी आप देखते हो। देन रेशियो एनालिसिस है, ये जो आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो, ये सबके आप रेशियो लेके उसको रेशियो निकाल के आप कंपनी का हेल्थ चेक कर सकते हो। जैसे कि कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है, EPS अर्निंग पर शेयर कितना है, देन प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, PE रेशियो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। और भी कोई रेशियो, बहुत सारे रेशियो है, फिक्स एसेट है, एसेट डेप टू एसेट, बहुत सारे रेशियो है कि वो आपको कंपनी का हेल्थ पूरी तरह बता देते हैं। ये तो ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। उसके बाद है टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस थिंक पास्ट प्राइस मूवमेंट, इंटरप्रेट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स, नो नीड टू सी कंपनीज फंडामेंटल ट्रेंड एंड पैटर्न देयर सिग्नल एंड प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट रैंडम। वो क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं, प्राइस एक्शन जो होता है, प्राइस मूवमेंट होता है, या कुछ जिनको चार्ट पैटर्न या ट्रेंड्स सिग्नल देते हैं उसके ऊपर वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कैसे मूवमेंट होगा। वो सोचते हैं कि प्राइस मूवमेंट जो है कि रैंडम नहीं है, यानी कि एक सरीके नहीं है, अगर फंडामेंटल अच्छे है तो प्राइस क्या ऊपर ऊपर ही जाते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं,
प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए वो टेक्निकल को फॉलो करते हैं। दे यूज चार्ट, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स एंड ऑस्किलेटर्स एंड प्राइस एक्शन। तो ये सब चीज़ें वो टेक्निकल एनालिसिस देखते हो। तो हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए इन फ्यूचर में मैं बहुत सारे वीडियोज लाने वाला हूँ। तो मैं आपको हर एक टेक्निकल इंडिकेटर्स जो ऑस्किलेटर्स है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, डिटेल में सिखाऊंगा। तो हम लोग आज खाली कंपेयर करने के लिए देखते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो हम लोग देखेंगे टेक्निकल क्या क्या देखते हैं। पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि शेयर पहले जो सपोर्ट लिया है नेक्स्ट टाइम भी वही सपोर्ट लेता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो जो कंपनी का रेजिस्टेंस रहेगा वही प्राइस का वही सपोर्ट बन जाता है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद है टेक्निकल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में आता है मूविंग एवरेजेस, PSR, ATR, बोलिंजर बैंड, MACD, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, नंबर्स ऑफ इंडिकेटर्स है। तो जैसे कि मैं आपको सिंपल बता दूँ कि ये मूविंग एवरेजेस है। तो मूविंग एवरेजेस में या देखो कि मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो अप ट्रेंड चालू हुआ, जो मूविंग एवरेज के नीचे था डाउन ट्रेंड था। और देखो वो जो वो रेड वाला जो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर सपोर्ट लेके कैसा ये जो निफ्टी का चार्ट है वो निफ्टी जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, या वैसे ये जो मूविंग एवरेजेस आपको डिलीवरी बेस में अच्छा आपको रिजल्ट देता है। उसके बाद है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न में हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्राइंगल्स, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ इससे ऊपर से आपको जो स्टॉक है या फिर प्राइस है, जो भी स्टॉक होगा या कमोडिटी कोई भी होगा, उसका आपको टारगेट मिल जाता है और कौन से टाइम में होगा वो भी आपको मिल जाता है। उसके बाद है टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल ऑस्किलेटर्स, जैसे कि RSI, स्टॉकेस्टिक्स, ये आपको बताते हैं कि स्टॉक ओवरबॉट हुआ है या ओवरसोल्ड हुआ है। ओवरबॉट यानी ज़्यादा ऊपर गया या ज़्यादा नीचे आया। तो ऊपर जो ये प्राइजेस है और नीचे जो है ये जो RSI है, तो आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल बता रहा है। उसके वजह से उसके ऊपर भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। देन ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन्स, जैसे कि ये जो अप ट्रेंड स्टॉक है और ये निकाला हुआ जो ट्रेंड लाइन है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो वापस डाउन ट्रेंड आ गया, ये टेक्निकल एनालिसिस में देखा जाता है। तो आप सोचोगे कि फंडामेंटल एनालिसिस है अच्छा है या टेक्निकल एनालिसिस, बट आपका ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करोगे, शॉर्ट टर्म है तो टेक्निकल। कि इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि ये एग्जाम्पल देखिए निफ्टी का, 2008 में जो निफ्टी फॉल्स हुआ था। तो अगर ये आप डेली चार्ट में देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये पूरा डाउन ट्रेंड है, अगर आपको पता होता तो इधर सेल करके वापस आप नीचे बाय करते, ये हो गया ट्रेडिंग। अभी वही आप चार्ट देख रहे हो या ईयरली में, तो ईयरली में देखो जो ये रेड कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे मैंने दिखाया है निफ्टी 2008, यहाँ पे देखिए 1 साल निफ्टी गिरा था। तो ये ईयरली चार्ट है, तो 1 साल गिरने के बाद वापस 2 साल में मार्केट कवर हुआ और वापस मार्केट अपने अप ट्रेंड में आ गया। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो अगर ऐसा मार्केट गिरता है 2008 जैसा जो आपको शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, उसका असर आपको लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। और इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, यानी ये फंडामेंटल एनालिसिस। और ये हुआ टेक्निकल, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में भी दिखेगा कि डाउन ट्रेंड हो गया है, अप ट्रेंड हो गया है। तो ये दोनों भी आप यूज करते हो तो बहुत अच्छा है। कुछ भी आप कोई भी फॉलो करो, या तो फंडामेंटल करो या टेक्निकल, जैसे कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल है लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, लेकिन कुछ तो फॉलो करना चाहिए। आप कुछ भी नहीं फॉलो करोगे तो लॉस होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप या तो ये धीरे धीरे सीखे करो, या कहीं यूट्यूब पे देख के सीखे करो। मेरे और भी टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनूंगा, और उसके बाद फंडामेंटल का भी बनाऊंगा। तो आप वीडियो देखते रहिए, आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो नीचे कमेंट्स में आप लिखते जाइए, और कौन से वीडियो देखने हैं वो भी बताते जाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको शेयर मार्केट के ही वीडियो देखने या टेक्निकल एनालिसिस के देखने हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और एक्चुअली लाइव में सीखना है और लाइव मार्केट में सीखना है और क्लासरूम में, तो आप हमको ये नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। मुंबई में हमारा INI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट क्लासेस और वीकेंड क्लासेस भी चलाते हैं। तो आप हमको कॉन्टेक्ट करके हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। वंस अगेन फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर।